Hello students, welcome to our channel K2S Career Zone. I am Dr. Bindiya Narang और आज का हमारा टॉपिक है पैंक्रियास। ये मैं आपको डायग्राम शो कर रही हूँ पैंक्रियास की। पैंक्रियास जो है इट एक्ट्स एज ग्लैंड्स। पैंक्रियास जो है वो ग्लैंड की तरह एक्ट करते हैं। बेसिकली पैंक्रियास क्या होते हैं, एक बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन है, लोबुलेटेड है, अलग अलग लोब्स हैं इसके अंदर। अगर हम एब्डोमेन खोलकर देखें तो हमें ग्रेश पिंक कलर के जो है वो पैंक्रियास दिखेंगे, जो कि ट्रांसवर्सली इस तरह से ट्रांसवर्सली पड़े हैं स्टमक के पीछे। यहाँ इसके ऊपर यहाँ कहीं होगी स्टमक और स्टमक के पीछे हमें मिलेंगे ग्रेश पिंक कलर के पैंक्रियास। अब क्योंकि पैंक्रियास जो है डिफरेंट सिक्रीशंस दे रहे हैं, इसीलिए हम इनको ग्लैंड भी मानते हैं। ग्लैंड भी किस तरह के हैं, पैंक्रियास आर ड्यूअल ग्लैंड्स। ड्यूअल मतलब पैंक्रियास जो है वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह के ग्लैंड्स की तरह एक्ट करते हैं। जो ये वाला पार्ट मैं आपको शो कर रही हूँ, ये पार्ट काम करता है एज एक्सोक्राइन पार्ट। आप देख रहे हैं इसमें एक डक्ट है, ये जो ब्रॉड वाली सेंटर में डक्ट जा रही है, दिस इज पैंक्रियाटिक डक्ट। और इससे छोटी छोटी जो है डक्ट्यूल्स निकल रही हैं, छोटी छोटी ये डक्ट्यूल्स निकल रही हैं, इनमें से सिक्रीशन निकलती है, दिस इज द एक्सोक्राइन पार्ट। और ये जो ऊपर वाला येलो वाला पार्ट है, बाउंड्री है जो इसकी सारी, ये सारा पार्ट जो है इट एक्ट्स एज एंडोक्राइन, यानी कि बिना डक्ट के ये रिलीज करता है। तो लेट मी शो यू कि ये कैसे जो है अपना काम करता है। ये देखिए, ये है पैंक्रियास का एक्सोक्राइन पार्ट, ये है हमारे पैंक्रियास, दिस इज पैंक्रियाटिक डक्ट। अब होता क्या है, अगर हम पैंक्रियास को, हमने बताया कि लोबुलर है, तो ये छोटे छोटे लोब्यूल्स को अगर हम इस तरह से खोलकर देखें तो ये इस तरह से पिरामिडल जो है शेप के सेल से बने हुए होते हैं। ये जो मेन पैंक्रियाटिक डक्ट है, ये छोटी छोटी डक्ट्स में जो है डिवाइडेड है, और हर एक डक्ट जो है एक लोब बना रही है। लोब के अंदर अगर हम देखें तो पिरामिड शेप के कुछ हमें सेल्स मिलते हैं। जो ये पिरामिड शेप के सेल्स हैं, ये सब मिलकर एक सेल बनाते हैं, कंप्लीट सेल बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एसिनर सेल। ये जो एसिनर सेल्स हैं, इसके जो ये पिरामिडल सेल हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5 पिरामिडल सेल्स को मिलाकर ये एसिनर सेल एक कंप्लीट सेल बना है। तो ये जो इसके पार्ट हैं, पिरामिडल सेल्स हैं, ये सिक्रीट करते हैं, ये पिरामिडल सेल सिक्रीट करते हैं कुछ एंजाइम्स और प्रो एंजाइम्स। ये एंजाइम्स और प्रो एंजाइम्स मिलकर ही बनाते हैं पैंक्रियाटिक जूस। अब ये जो छोटे छोटे पिंक कलर में आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे लोब्स, इन सब में से एंजाइम्स और प्रो एंजाइम्स निकले, ये डक्ट्यूल्स में गए, सारी डक्ट्यूल्स मिलकर सारी अपनी सिक्रीशन कहाँ पहुँचा दी, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, और मेन पैंक्रियाटिक डक्ट ने कहाँ पहुँचा दी, टुवर्ड्स अ डोडिनम, ये रहा डोडिनम, डोडिनम में ये सिक्रीशन पहुँचा दी। तो ये अगर आप देखें तो दिस इज स्टमक, ये तो आपको ऐसे दिखाया हुआ है, लेकिन अगर हम एब्डोमेन को खोलें तो पहले हमें स्टमक को पीछे करना पड़ेगा, ऊपर से हटाना पड़ेगा, तो हमें पीछे इस तरह से ये पैंक्रियास दिखेंगे। पैंक्रियास को अगर हम खोल के माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें एसिनर सेल्स की फॉर्म में मिलते हैं, जो कि एक छोटे छोटे लोब्स बना रहे हैं, लोब्यूल्स बना रहे हैं, पूरे पैंक्रियास को डिवाइड कर रहे हैं छोटे छोटे लोब्स में। एसिनर सेल के अंदर क्या है, पिरामिड शेप के सेल्स हैं जो कि एंजाइम्स और प्रो एंजाइम्स सिक्रीट कर रहे हैं। ये सारे एंजाइम्स और प्रो एंजाइम्स मिलकर क्या बना रहे हैं, पैंक्रियाटिक जूस। अगर हम ये पैंक्रियास के हेड रीजन की तरफ देखें, दिस इज द हेड रीजन, तो यहाँ पर एक चौड़ी सी अलग से ही एक डक्ट निकल रही है, इस डक्ट को हम बोलते हैं डक्ट ऑफ सेंटोरिनाई, डक्ट ऑफ सेंटोरिनाई। ये आगे फर्दर जो इसकी ब्रांचिंग होती है और ये अलग से ही डक्ट दिखती है इन द हेड रीजन, राइट। ये है पैंक्रियास का एक्सोक्राइन पार्ट। नाउ कम्स टू द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियास। एंडोक्राइन पार्ट जो है पैंक्रियास का, ये सारा पार्ट है, यहाँ पर कई तरह के सेल्स हैं, ये आपको डायग्राम में दिख रहे हैं, और ये सेल्स जो हैं ये सिक्रीट कर रहे हैं कुछ हार्मोन्स और एंजाइम्स। सबसे पहले जो ये वाला पार्ट है, इसके अंदर स्पेशल तरह की जो ब्लू कलर में आपको दिख रहे हैं ये सेल्स हैं अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स सिक्रीट करते हैं एक हार्मोन, दैट इज ग्लूकागन। ग्लूकागन क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो है ग्लूकोज की अमाउंट को जो है बढ़ा देता है। दूसरी तरह के सेल्स हैं बीटा सेल्स, ये ब्राउन कलर में जो आपको दिख रहे हैं, लाइट क्रीमिश ब्राउन में, दे आर बीटा सेल्स। बीटा सेल्स सिक्रीट करते हैं एक हार्मोन, दैट इज इंसुलिन।
इंसुलिन क्या करता है, जो ब्लड के अंदर एक्सेस ग्लूकोज है उसको न्यूट्रलाइज करता है। तीसरी तरह के सेल्स होते हैं डेल्टा सेल्स, और एक होते हैं गामा सेल्स भी होते हैं। ये दोनों सेल्स मिलकर एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, सोमैटोस्टेटिन और गैस्ट्रिन। एक और तरह के सेल्स होते हैं एफ सेल्स, ये आपको जो ब्लू कलर में दिख रहे हैं एफ सेल्स। एफ सेल्स जो एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। इस तरह से ये अल्फा डेल्टा गामा बीटा और एफ सेल्स, ये सब सेल्स मिलकर अलग अलग हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं। ये सारे हार्मोन्स भी अब यहाँ से सिक्रीट होकर, अब क्योंकि ये हम मैंने आपको बोला कि एंडोक्राइन पार्ट है, यानी कि ये सारी सिक्रीशंस किसी डक के थ्रू नहीं आएंगी, डायरेक्टली यहाँ पर डोडिनम में पोर कर दी जाएंगी। और जो इसका एक्सोक्राइन पार्ट है वो क्या करेगा, एसिडर सेल से सारी सिक्रीशंस को लेकर छोटी डक्ट्यूल्स के थ्रू इस बड़ी पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू डोडिनम में निकाल देगा। दोनों ही सिक्रीशंस, चाहे वो एक्सोक्राइन पार्ट की हैं चाहे वो एंडोक्राइन पार्ट की हैं, दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूस। एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन एक दिन में 500 टू 800 ml जो है पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। पैंक्रियाटिक जूस को अगर हम देखें तो इट इज़ बेसिकली कलरलेस अल्कलाइन, और इसमें तीन प्रो एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रो कार्बोक्सी पैप्टिडेज। तीन इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, पैंक्रियाटिक लाइपेज, अमाइलेज एंड न्यूक्लियस। तो इस तरह से ये पैंक्रियाटिक जूस जो है वो रिलीज होता है टू एड इन और टू हेल्प इन डाइजेशन। सारी सिक्रीशन कहाँ जाती है, डोडिनम में। डोडिनम जो क्या है, मेन साइट है डाइजेशन का, सारी की सारी डाइजेशन जो है वो डोडिनम में ही होती है। देन कम्स इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हमें कहाँ मिलते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कहन में। क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कहन क्या होते हैं, हमने विलाई पढ़े थे, विलाई जो नीचे की ओर इस तरह से उभार से बना रहे हैं, नीचे की ओर डिप्रेशंस बना रहे हैं, उनको बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कहन। डोडिनम के अंदर ब्रूनर्स ग्लैंड्स भी हैं, वो भी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं। क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कहन भी सिक्रीशन देते हैं, डोडिनम के ब्रूनर्स ग्लैंड्स भी सिक्रीशन देते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं। तो इस तरह से बेसिकली हमारे पास चार तरह के इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स मिलते हैं। पहले इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेंगे, दे आर पेनीट सेल्स जो एक एंजाइम सिक्रीट करते हैं लाइसोजाइम। आर्जेंटिफिन सेल्स जो कि सैटरिन और सिक्रीटिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं। गॉबलेट सेल्स जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं। और कुछ एंजाइम सिक्रीटिंग सेल्स और भी होते हैं जो कि एंजाइम सिक्रीट करते हैं, लाइक एंटीरोकाइनेज, इंटेस्टाइनल एमाइलेज, माल्टेज, आइसोमाल्टेज, सुक्रेज एंड इंटेस्टाइनल लाइपेज। अब ये नाम से पता चल रहा है अमाइलेज जो है वो स्टार्च को एक्ट करेगा, माल्टेज जो है माल्टोज को डाइजेस्ट करेगा, आइसोमाल्टोज भी माल्टोज को डाइजेस्ट करेगा, सुक्रेज सुक्रोज को डाइजेस्ट करेगा, और लाइपेज जो है वो फैट्स को डाइजेस्ट करेगा। इंटेस्टाइनल जूस को हम टेक्निकल टर्म्स में, मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस। सक्कस मीन्स अ जूस और एंटेरॉन मीन्स हमारा इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन से निकलने वाला जूस, दैट इज सक्कस एंटेरिकस। 2 to 3 liter जो है इंटेस्टाइनल जूस नॉर्मली जो है एक दिन में एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन जो है वो रिलीज करता है बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हो गए 4 type के, पेनीट सेल्स जो सिक्रीट कर रहे हैं लाइसोजाइम, आर्जेंटिफिन सेल्स जो कि सैटोनिन और सिक्रीटिन हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, गॉबलेट सेल्स जो कि म्यूकस रिलीज कर रहे हैं, और बाकी के कुछ सेल्स जो कि एंटीरोकाइनेज, इंटेस्टाइनल अमाइलेज, माल्टेज, आइसोमाल्टेज, सुक्रेज एंड इंटेस्टाइनल लाइपेज सिक्रीट कर रहे हैं। और ये सारी सिक्रीशंस को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, सक्कस एंटेरिकस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्लैंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू।